बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों टेस्ट योर सेल्फ में, जिसके समान अध्ययन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ग्रुप डी। दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी, आने वाले जो एग्ज़ाम है रेलवे का ग्रुप डी, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको जिके समान अध्ययन, जिके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने को मिलेगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों पार्ट टू अब तक अपलोड हो चुका है और ये है पार्ट थ्री, तो इसके भी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ है? बंगलौर, कोयम्बटूर, खड़गवासला और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका देहरादून। तो आपको सही ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि ये आपका खुद का जांच है दोस्तों, आप आंसर के भरोसे नहीं रहिए, पहले आप आंसर को लगाइएगा, इसके बाद आप अपना आंसर भी मिला लीजिएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ है? तो बहुत लोग अगर देहरादून मारे तो ये गलत हो जाएगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी है खड़गवासला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे में बताना है आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? तो ये है आपका कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी नदी पे है? अगर आप थर्ड नंबर टिक कर रहे हैं नर्मदा नदी, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों पोस्ट ऑफिस एक बुक है, जिसका राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद चटर्जी या फिर विष्णु शर्मा? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर क्या है? ध्यान से सुनना है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर क्या है? उसका नाम है कील नहर, स्वेज नहर, परामा नहर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कील नहर। कील नहर जो है बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों वो नदी का नाम बताना है जो डेल्टा नहीं बनाता है, कावेरी, महानदी, गोदावरी या ताप्ती में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ताप्ती नदी। एक और नदी है दोस्तों गंगा नदी, वो भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है इसको मुहाने पे। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी, सतलज, झेलम या चिनाब नदी? नदी का नाम बताना दोस्तों। श्रीनगर जो शहर है उसके बगल से या फिर उसके आसपास कौन सी नदी है? तो वो है झेलम नदी, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? सोमपेंस एक आदिवासी है, वो आपको बताना है अंडमान का है, निकोबार, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सोमपेंस जो आदिवासी है वो मुख्य रूप से निकोबार के हैं। प्रथम विद्युत रेलवे स्टेशन खोली गई थी? प्रथम विद्युत रेलवे स्टेशन खोली गई थी दोस्तों, बोला गया है विद्युत से निर्मित एक रेलवे स्टेशन कब खोला गया था भारत में? 1853, 1885, 1905 या फिर 1925 में? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम रेलवे विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा 1925 में। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे कम आबादी घनत्व है? 2001 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है, तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? रुधिर मतलब रक्त, ब्लड, तो ये आपको पता होगा 1, 4, 5 से 6 या फिर 10? तो दोस्तों ये होता है 5 से 6 लीटर। अब महिलाओं में 1 लीटर कम होता है पुरुष के अपेक्षा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किनके द्वारा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था हेनरी द्वारा, ऑस्ट्रेट के द्वारा, फराइडे या फिर बोल्टा के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, फ्राइडे के द्वारा। न्यूरॉन किसकी एक इकाई है? संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, एनिथीलियम उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक? तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तंत्रिका उत्तक का न्यूरॉन एक इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया या फिर किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सी बी रमन या फिर एस रामानुजन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ब्लैक होल सिद्धांत की खोजकर्ता हैं एस चंद्रशेखर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य, नानक, सूरदास या फिर बल्लभाचार्य? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर, बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब में कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा सटीक लग रहा है। पंजाब में हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया था या फिर बसाया था? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या फिर महिपाल ने? तो आंसर हो जाएगा महिपाल ने। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? दोस्तों आपको मेहनत करते रहना है जब तक आपका रिजल्ट ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों अब नया सिरे से आप तैयारी कीजिएगा, उसके लिए आपके पास समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम रिवीजन पे ही दीजिए, तब आपका काम बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में विनोबा भावे। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? दोस्तों मगध साम्राज्य में शाही मौर्य के बाद अगला उत्तराधिकारी यानी कि अगला राजा बनने वाला कौन था? कुषाण, पांड्य, सातवाहन या फिर शुंग? तो वो थे शुंग, शुंग वंश आया था मगध के बाद। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किनके, या फिर आप ऐसे बोलिए कि वो कौन से ऐसे राजा हैं जिनके शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने अपना उपदेश दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन पे या फिर लास्ट ऑप्शन है उदय? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा किला या फिर सिकंदरा में? तो दोस्तों जहांगीर महल जो है वो आगरा में है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है? ऐसे दोस्तों बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रथम उपदेश जो दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तब टिक कीजिएगा सारनाथ में। ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया गया है सारनाथ में जो प्रथम जो उपदेश दिए थे वो क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्माण, महामस्तकाभिषेक या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? बेंगी, मदुरई, कांचीपुरम या फिर महाबलीपुरम में? तो वो केंद्र था मदुरई में। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन किया था, उस अनुक्रम में इसे सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, सेकेंड नंबर होगा। सबसे पहले आर्य किया था, इसके बाद यूनानी ने किया था, फिर कुषाण, फिर लास्ट में हूण ने। आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पे या फिर हिंदू धर्म पे एक पुस्तक लिखा गया है मिताक्षरा, उसका लेखक कौन है? नयचंद्र, अमोघवर्षा, विज्ञानेश्वर या फिर कम्बन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, विज्ञानेश्वर। सॉरी, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? दोस्तों गुप्त जो साम्राज्य था वो किसके शताब्दी में ये लुप्त हो गया या फिर ख़त्म हो गया है? चालुक्य छापों के, ग्रीक आक्रमण के, हूण आक्रमण के या फिर पल्लव छापों के? तो दोस्तों जब हूण ने आक्रमण किया था तब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है या फिर पुराना नाम क्या है? कामरूप, वस्ता, गौड़ या फिर बलबी? तो दोस्तों बंगाल का प्राचीन नाम है गौड़। अहिल्याबाई रानी थी ग्वालियर की,
अहिल्याबाई जो रानी थी वो कहाँ की थी? ग्वालियर, मालवा, जयपुर या फिर बीजापुर? तो सही आंसर आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला नंबर क्वेश्चन, मूरिश यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम के एक मूरिश यात्री हैं, मूरिश के रहने वाले हैं, वो किसके समय में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये भारत आए थे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं। दोस्तों वहाँ के जो अवशेष मिले हैं उससे क्या मालूम चलता है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार? तो वो था व्यापार। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए थे? तो दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? गुप्त, चोल, पल्लव या कुषाण? तो ये आंसर हो जाएगा पल्लव। पल्लव राजा के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया था। कलकत्ता एवं आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी कब? 1852 में, 1853 में या फिर 1854? नेक्स्ट ऑप्शन है 1855 में। तो कलकत्ता एवं आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी 1852 में। रेडियो धर्मी तत्व किसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है? दोस्तों अभी अब की बार जो एनटीपीसी हुआ था उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, और पुराना पुराना हिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसलिए दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। कब क्या पूछ लिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। रेडियो धर्मी तत्व किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? यूरेनियम का, थोरियम का, रेडियम का या फिर प्लेटिनम का? तो दोस्तों रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है वो है थोरियम। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, ये साइंस का क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का ये भी है, मेथेनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है? मेथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुड एल्कोहल, थर्ड नंबर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए जी क्वेश्चन आपको पता होगा, पीएच मान से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसके बारे में भी। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊन, सिल्क, चमड़ा या फिर नायलन? तो दोस्तों नायलन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज मिश्रण होता है, ये रासायनिक फार्मूला दिया हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको देखना है सिर्फ एक नज़र। तो दोस्तों अम्लराज का मिश्रण होता है 3HCl+1HNO3, 3HCl+1HNO3 आंसर हो जाएगा वन नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या फिर अनियंत्रित संलयन द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, नियंत्रित विखंडन द्वारा। भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, या फिर आपसे उलट के क्वेश्चन पूछे कि भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे 28 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 21 फरवरी कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको ऐसे ऐसे भी छाटना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस वैज्ञानिक के उपरांत मनाया जाता है, तो यह किस वैज्ञानिक के कृति से सहचरित है? आर्यभट्ट, बारहमेर, सीवी रमन या फिर डॉक्टर भाभा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीवी रमन। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है?
लद्दाख जम्मू कश्मीर, जैसलमेर राजस्थान, कच्छ गुजरात या फिर बरेली उत्तर प्रदेश। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में है सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर।